साल 1918 ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ब्रूटन आइलैंड के पास जब कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे कि अचानक एक शार्क ने उन पर हमला कर दिया। पर हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन लोगों के मुताबिक उस शार्क के एक नहीं बल्कि दो सिर थे और जिसकी लंबाई करीब 20 फीट रही होगी। और उनका कहना था कि वो शार्क बार बार हमारी बोट को टक्कर मार रही थी और बोट पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो शार्क काफी डरावनी थी। वो तो हमारी किस्मत थी जो वक्त रहते हम सभी वहां से निकल गए, वरना हम जिंदा नहीं बचते। इस घटना के बाद कई और बार दो सिर वाली शार्क को देखे जाने की घटना सामने आई, लेकिन वो काफी छोटी थी और जिंदा भी नहीं थी। और वैज्ञानिकों को कभी भी वो शार्क नहीं मिली जिसने उन लोगों पर हमला किया था। क्या दोस्तों समुन्द्र में सच में दो सिर वाली शार्क हो सकती है जो इंसानों का शिकार कर सके, या फिर उन लोगों ने बस एक मनगढ़ंत कहानी दुनिया को सुनाई थी?